नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों कैसे, आज का जो सेशन ये जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, हम चर्चा करने वाले कि भैया राजस्थान जो सूचना सहायक है ना, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट जो आप लोगों की भर्ती आती है आईए की, वो कब आएगी भर्ती, जानिए संपूर्ण जानकारी अभी से चर्चा के बारे में। देखो भैया, अपन हवा में बात नहीं करते, सीधी सी बात है, ऑथेंटिक बात की जाती है जो कि प्रूफ हो। अभी हाल ही में मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं, अभी यहां पर हाल ही में एक न्यूज पेपर के अंतर्गत एक विज्ञप्ति आई थी, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पढ़ के बताऊंगा आराम से कि भी आप भर्तियों में हो रही है देरी, सहायकों की भर्ती चयन बोर्ड प्रोग्रामर की भर्ती आयोग करेगा। अब भाई ये सीधी सी बात है, आयोग करेगा और यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि 5 महीने पहले 2734 सूचना सहायक यानी आईए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भर्ती की मंजूरी के बाद भी आईटी विभाग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने बोर्ड को नहीं भेजी है अभ्यर्थना। यहां लिखा गया है कि मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद भी सरकारी प्रोग्रामर और सूचना सहायक की भर्ती नहीं हो पाई है, प्रौद्योगिकी और संचार ने सहायकों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड प्रोग्रामर की भर्ती के लिए अभ्यर्थना अभी तक आरपीएससी को नहीं भेजी है। कुल पदों की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वित्त विभाग ने लगभग 2734 पदों पर भर्ती होना निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत साफ साफ यहां पर लिखा रखा है कि भैया सूचना सहायक के पद मेडिकल, मेडिकल शिक्षा, स्कूल कॉलेज शिक्षा, परिवहन रोजगार, पशुपालन, गृह विभाग, सहकारिता, यूडीएच और संस्कृत शिक्षा जैसे अनेक विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। सरकार का योजना के प्रचार 2013 का साल 2018 में सूचना सहायकों के पदों पर भर्ती की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है सारा काम ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं आइए कि आपको भर्ती देनी ही पड़ेगी ये गवर्नमेंट को। यहां पर जो भी बात है ई गवर्नेंस, मतलब यहां पर हर काम आजकल कंप्यूटरीकृत और ई गवर्नेंस के थ्रू किया जा रहा है, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि भैया हमें एलडीसी क्यों देरी हो रही है, एलडीसी के पदों में भी इसके पीछे साफ साफ मंत्रालय की भैया हमें एलडीसी के पदों की आवश्यकता नहीं है, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन असिस्टेंट आईए की पदों की आवश्यकता है। तो इसका सर्जन किया जाना चाहिए, इसकी वैकेंसी जरूर से जरूर लेके आनी चाहिए। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्यों है जरूरी आप लोगों की सूचना सहायक की भर्ती। विशेषज्ञों का कहना है कि आईटी के समय में काम के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सूचना सहायक के पदों पर भर्ती होना चाहिए, जिससे न केवल काम में जल्दी और प्रोग्रामर के पद भी रिक्त होने चाहिए। यहां पर मेरे लाडलो जो प्रोग्रामर के पद है ना, वो लगभग 141 और 2734 पद जो है वो आप लोगों के कितने सूचना सहायक के लगभग 2875 पदों की भर्ती आप लोगों को यहां से आईए की होने वाली है। और ये जो न्यूज है ये 15 सितंबर 2022 की है, एक सप्ताह पहले की मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं। अब होता यह कि भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने आईए के पद खाली है इसकी मंत्रणा तैयार होगी और गवर्नमेंट को भेज दी गई है। अब कब ये वैकेंसी आ सकती है, इसके पीछे एक कारण है कि देरी होने का सबसे पहला कारण है आप लोगों का सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, जिसका हाल ही में अभी कल की तारीख में सीईटी का जो सिलेबस है वो संपूर्ण तरीके से आ चुका है। अब सीईटी आ चुका है, सीईटी का सिलेबस दे दिया दिसंबर में, जो कि पूरा फिक्स आप लोगों को दिखता है कि दिसंबर में इन लोगों का जो है पूरा एग्जाम हो जाना है। अब आईए की भर्ती जो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह कि इसको सीईटी से बाहर रखा गया है। जो लोग अभी हाल ही में हुए एग्जाम कंप्यूटर अनुदेशक में निराशा की लहर को दौड़ चुके हैं, उनको निराशा हाथ लगी है, वो रह चुके हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण है कि वो पूरा अपने आप को आईए के अंदर झोंक दे। इसके अंतर्गत 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा पीजीडीसी हो गया आप लोगों का, बीटेक हो आप लोगों है ना, बीसी आप लोगों ने किया रखा हो, एमसी आप लोगों ने कर रखा हो, एमटेक आप लोगों ने कर रखा हो, सीएस आप लोगों ने कर रखा हो, कोई भी एक वर्ष का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है तो वो आईए का फॉर्म भर सकता है। अब दिक्कत यह कि हम क्या सोच सकते हैं कि सर आईए की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी है सितंबर, सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो है सीईटी का एग्जाम हो जाएगा। इस वैकेंसी का सीईटी के एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वैकेंसी के नोटिफिकेशन आता है तो वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर अभी सीईटी का ताजा ताजा आपके सामने क्या है सिलेबस आया, तो इन 2 महीने को तो छेड़ेंगे नहीं, कोई भी सूचना नहीं। हाँ, जैसे ही अगर सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं, सफलतापूर्वक सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो वैकेंसी आएगी वो जूनियर अकाउंटेंट
आप लोगों का इससे ये जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, इन लोगों की वैकेंसियां जो है वो पाइपलाइन में, और कहीं ना कहीं बीच में ये जनवरी के आसपास, मतलब दिसंबर के बाद जनवरी के आसपास कहीं ना कहीं आईए की वैकेंसी भी निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास आईए की वैकेंसी का बहुत बड़ा मौका है, तैयारी में आप आज ही लग जाइएगा। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है मेरे लाडलो, जिन्होंने की कंप्यूटर अनुदेशक में पूरी तैयारी की थी और कुछ एक क्वेश्चंस डिलीट होने के तरीके से वो रह गए हैं। अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, मेहनत में लग जाइए। अगर आप आज से तैयारी में लगते हैं, आईपी टेस्ट भी आप लोगों को पता है इसमें होना ही होना है, ठीक है, तो आप आज भी तैयारी में, दोनों तैयारी में लग जाओ, टाइपिंग में भी और इसमें भी। और जब दोनों तैयारी में आप लग जाओगे तो समय अभी काफी है अपने आप को प्रभुत्व और अपने आप को ढंग से मेंटेन करने का दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई भी मेरा प्यारा भाई बहन वो ये चाह रहा है कि भैया सीटी की तैयारी हमें एलडीसी की तैयारी करनी है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक तो सीटी आप लोगों का जो 10+2 का है वो एलडीसी का कंप्लीट वीडियो कोर्स, दोनों का वीडियो कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए मात्र 1499 रुपए में रखा हुआ है। इस मंच पर पूरा रिकॉर्डेड कोर्स बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेगा। फीस जो पहले थी वो 3000 थी, 50% ऑफ मिलेगा, कब, जब आप कोड लगाओगे RJ50, और ये केवल 30 सितंबर तक वैलिड है दोस्तों। आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां से ये कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। पूरी फैकल्टीज की एक बहुत बेहतरीन टीम आप लोगों के सामने है, और इसके बाद में अगर आपको सीटी प्लस ग्रेजुएशन लेवल और प्लस टू का, मतलब सीटी का ग्रेजुएशन लेवल और प्लस टू का ही अगर कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहिए तो मात्र आपको 1250 रुपए मिल जाएगा। अब देखो यार, मैं आपको बताता हूं, आप ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 का जो 1250 रुपए में कोर्स लेंगे, इससे अच्छा तो मेरा मानना यह है कि अगर आप मात्र 1250 की बात है, ये 1500 में मात्र 250 रुपए ज्यादा देकर इसमें आप अपने आप को एलडीसी की भी तैयारी करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैकल्टीज आप लोगों के सामने सारी की सारी, सबके सारे के सारे वेल रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ आपको कोर्स मिलेगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो नंबर आपके पास है हमारे सपोर्टेड टीम के, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो भी मन की व्यथाएं वो दूर कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर माय डियर। आपके सामने एलडीसी है, सीटी है, और कहीं ना कहीं आईए की वैकेंसी भी इस बीच में गवर्नमेंट बीच में पाइपलाइन में डाल सकती है, तो कभी भी आ सकती है। अगर आएगी तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर अक्टूबर पूरा निकल गया तो फिर दिसंबर में आईए की वैकेंसी आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के सामने जरूर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद। राम राम मेरे लाडेश्वरों, धन्यवाद।